फ्रूट बॉक्स देख रहे हो कितना बड़ा है यार। ओह माय गॉड। हम आए हैं यहाँ जमाला वाइल्ड लाइफ लॉज में। चीता के साथ इंटरेक्शन होगा हमारा यहाँ। ये वाइल्ड लाइफ लॉज मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में। Everything is quite Africa themed. Wow. Shark is coming. यहाँ पे रेस्टोरेंट में जो टेबल पे बैठने की जगह है उसके साइड में एक्वेरियम है जहाँ पे बड़ी बड़ी शार्क्स आती रहती है। ये पूरे इस वाइल्ड लाइफ लॉज का नक्शा है और बहुत ही बड़ा एरिया है। एक जू टाइप का बना रखा है इन्होंने, लेकिन इस जू के अंदर अलग अलग रहने की भी जगहें हैं। और यहाँ चीता से हम मिलेंगे 2:20 पर, और उसके बाद जो हमारा कमरा होगा वो यहाँ है जिराफ ट्री हाउसेस में। तो जिराफ्स लिटरली हमारे कमरे में, हमारी बैल्कनी में आ सकती हैं। So we have some time to see a bit of the zoo before the cheetah encounter starts. Oh, hello, you're just chilling. How they're just relaxing. They seem so lazy. Can't even relax without being called lazy, huh? Babe, you annoyed him. Are kaun bhonk raha hai ye badtameez? And suddenly, I'm an animal photographer. I can see their little teeth even, wow. जू की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ज्यादातर जो जगहें एनिमल्स को रखने की वो काफी बड़ी हैं बाकी और जू के कंपैरिजन में जो शहरों में जूज होते हैं। मार्मोसेट मंकीज, पहली बार देखा है इस टाइप के बंदरों को। और इसके आगे है पिग्मी मार्मोसेट मंकी, जो कि स्मॉलेस्ट मंकी है दुनिया का, सिर्फ इधर पाया जाता है। It is really. It's almost like a mouse or something. Yeah, like a mouse. तो ये जो भालू हमने देखा, ये कोई नॉर्मल भालू नहीं था, ये एक मले सन बियर था। सारी बेर की स्पीशीज में जो स्मॉलेस्ट बेर्स होते हैं ये वो है। Oh my God, he had skin cancer. This one? Yeah. Oh. तो इस भालू के ऊपर इन्होंने रेडियो एक्टिव थेरेपी करी, जो अक्सर करी जाती है जिन लोगों को कैंसर होता है। अभी तक बहुत सारे जूज में गया हूँ मैं, लेकिन ये जू बड़ा खास है क्योंकि जिस तरीके के एनिमल्स यहाँ पर रख रखे हैं ऐसे मैंने किसी और जू में नहीं देखे। कई तो ऐसे एनिमल्स हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखे, जिनका नाम तक नहीं सुना था मैंने। बहुत से वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एनिमल्स जू में मिलेंगे, जैसे कि टाइगर भी जो है वो कोई नॉर्मल टाइगर नहीं है, सुमात्रन टाइगर है, जो कि स्मॉलेस्ट टाइगर की स्पीशीज होती है। He looks tired of life. अब इसे ही देख लो, ये एक ट्री कैंगरू है जो सिर्फ पापुआ न्यू गिनी में पाया जाता है, एंडेंजर्ड एनिमल है। आज तक इसके बारे में कभी नहीं सुना था और आज यहाँ हम इसे देख रहे हैं। इस वाले ट्री कैंगरू के इंक्लोजर में एक पीकॉक आराम कर रहा है। यहाँ पे हमारा होटल रूम है, ये जो होटल रूम्स हैं। जिराफ्स नहीं दिख रहे लेकिन लामा जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से चल कर जाएंगे और जिराफ्स दूसरी तरफ होंगे। Let's see. Is it open? I mean, we open it, right? Okay, close it again so the llamas don't escape. Let's go to the llama. Wow, it looks really nice. Let's go to the llamas first. There's deer as well, actually. Deer? Llamas and deer and some birds running there, Is I that see. A deer? Yeah, some kind of white deer, I think. With the llamas, there are less precautions. You can just walk in, but you might get spat on. Spat on? Yeah. Why? Because they sometimes spit, right? Really? Yeah. Did you see the eyes he made when he saw you? Yeah. Like it was sheer horror. Treehouse number 5. Ye raha. Wow. Looks nice. Kya kamal ka kamra hai. Is taraf जिराफ्स के आने की जगह बैल्कनी से हम उन्हें फीड कर सकते हैं। बाथरूम में भी एक जिराफ बना है जहाँ शावर करते हैं उस एरिया में। और बैल्कनी से निकलते ही जिराफ्स यहाँ पर आ गई हैं। वाह।
इनका साइज देखो कितना बड़ा है। हम मतलब हमें बैल्कनी में खड़े होना पड़ता है इनके सर के लेवल तक पहुंचने के लिए। हमारी बैल्कनी में आके चेक किया जा रहा है कोई खाना है या नहीं। अभी है नहीं खाना, कुछ देर में आएगा खाना, चिंता मत करो। हमें ये एक स्पेसिफिक टाइम पे 3:30 बजे ये फीडिंग करते हैं इनकी, तो तब वो गाइड्स आके हमें खाना देंगे और फिर हम इन्हें अपने हाथों से खिला सकते हैं। बिल्कुल ही सामने आ गई हमारे खाने के लिए, लेकिन अभी भी हमारे पास खाना आया नहीं है। जो खाना यहाँ घास फूस पहले से रखी हुई है उसे ही खाए जा रहे हैं ये। इसका मुँह का अप क्लोज देखो, गाजर दी गई है हमें एक्चुअली में इन्हें खिलाने के लिए। उन पत्तों से ज्यादा टेस्टी है, तभी है यहाँ पे आते हैं। या ओह माय गॉड द टंग, आई कैन फील द ब्रीदिंग। वाह, ये बड़ा ही सुंदर सा डियर यहाँ पर घास खाने लग रहा है। They seem like they wanna be touched. इसका जो सुसु निकल गया मेरे पास आते ही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। So now we have the whole zoo basically to ourselves. All the guests have left, and you can see the animals are out more. It's very peaceful. There's a peacock strolling along. ये बढ़िया चीज़ है इसके बारे में कि जब सारे गेस्ट चले जाते हैं, सिर्फ होटल में जो लोग रुके हैं यहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़ू को। बड़ा एक्सक्लूसिव फीलिंग आती है। Yeah. Oh, the lions are having a nap. इस वाइल्डलाइफ लॉज में कुछ कमरे ऐसे हैं जिनमें आप लायंस आपके साइड में आ सकते हैं, और एक ग्लास बना हुआ है दीवार की जगह, और वो वहाँ के रेस्ट कर सकते हैं आपके बिल्कुल बगल में। तो सिर्फ जिराफ्स के साथ ही नहीं बल्कि लायंस और चीता के साथ भी रुकने का ऑप्शन है, बेयर्स के साथ भी रुकने का ऑप्शन है। हर कमरा यहाँ पे स्पेशल है। So we just had breakfast and this is where the lion would have been if it had come. You can't force animals to do anything. No. So if the lion doesn't show up, and that's okay. सुबह के 9 बजे हैं दोस्तों, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और ज़ू अभी तक बाहर के लोगों के लिए नहीं खुला है। तो जो गेस्ट होटल में रह रहे हैं वो बड़े आराम से चेकआउट कर सकते हैं ज़ू के सारे एनिमल्स को, और ये बढ़िया मौका है बाकी जानवरों को देखने का जब कोई और गेस्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरा ज़ू एक्सक्लूसिव हमारे लिए ही है। You hear a lot of interesting noises here. Let's have a look if we can find out who is making that noise. Very close to it. Sounds like something is hilarious, right? Yeah. It is the monkeys. Yeah. Which ones? The other ones, I think. Okay, it's not the monkeys actually. Yeah. Oh. Oh. It is the other monkeys. It is the monkeys, but the different kind. Not of these monkeys. Not these monkeys. It's these monkeys. They're so loud. How loud can they be? If I was sleeping next to them, I would... No, that... that sound is super loud. It's Siamang. It really feels like it's... The throat sac is about the size of their head. Yeah, no wonder. It seems like it comes out of a speaker or something. Built-in boombox. Yeah. For sure. Yeah, vocalizations are amplified, carrying the sound for up to 3 kilometers. At sunrise. Oh my gosh. Oh my god. Wow. इसके नीचे जो बड़ा सा throat box देख रहे हो कितना बड़ा है यार। Oh my god, throat sack. यहाँ इनका थ्रोट सैक देख सकते हो कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट एक स्पीकर है ये। इनबिल्ट स्पीकर। ये जिराफ इनक्लोजर का दूसरा वाला बड़ा एरिया है। हमारे कमरे वहां पे हैं और जिराफ्स यहाँ भी आ सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ दूर तक जा रहा है। ज़ेब्रास भी हैं साइड में, बट दी ज़ेब्रास नेवर कम टू आवर प्लेस। दिस इज लॉक पिकिंग।
He's drinking water, I think. I think he's luck picking. He's almost cracked it. गेस कर सकते हो कौन सा एनिमल है? ये सिर्फ इंडिया के एरिया में ही पाया जाता है। इसका सही जवाब है ब्लैक बक। ये वल्नरेबल और एंडेंजर्ड के बीच की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो काफी एंडेंजर्ड ही कंसिडर कर लो इसे। In 1975, the population in Nepal had been reduced to just 9. Nine of these, and then they managed to get it up to 200. Wow. आप सोचोगे कि एक कुत्ते को क्यों रख रखा है यहाँ पर? ये ऑस्ट्रेलियन कुत्ता है, डिंगो कहते हैं इसे, जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं यहाँ के। एक वहाँ भी है, डिंगोज डू नॉट बार्क दे हाउल। डिंगो की एवोल्यूशन एक्चुअली में इंडियन वुल्फ से हुई थी 6000 साल पहले। इन्हें ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, अब ये यहाँ के नेटिव एनिमल्स बन चुके हैं। और जैसा कि आपने किताबों में पढ़ा ही होगा कि इसके हॉर्न की हंटिंग करी जाती है, इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन इतनी एंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है जिससे फीवर या कैंसर ट्रीट हो जाएगा। ऐसे ही अंधविश्वासियों की वजह से ये जानवर इतना एंडेंजर्ड है। कुछ इनक्लोजर्स वॉक इन इनक्लोजर्स हैं, हमें एलिगेटर से वॉम्बैट देखने के लिए इसके अंदर जा सकते हैं, और ये गेट हमें पीछे से बंद करना पड़ेगा। दो दरवाजे हैं ताकि ये जानवर बाहर एस्केप ना करें, क्योंकि यहाँ पे जानवर ओपन में है, जैसे कि ये वॉलबी, और वहाँ एक कैंगरू। गो थ्रू कैच केज। व्हाट इज अ कैच केज? Where we have to pull instead of push. It's a safety barrier. Oh, look how close it is. Yeah. Oh, it may bite me. That's a wombat. Yeah. Did you see it already? Oh, he's so close. ये वॉम्बैट दिखने में बिल्कुल एक पोकेमोन जैसा लगता है। एक और खास बात इनके बारे में है कि इनकी पॉटी ऐसी दिखती है, जो कि बिल्कुल ही प्रॉपर क्यूब्स है। वेरी यूनिक। मेरे पास कुछ नहीं है, अपने पत्ते खा। मैं एक पत्ता तोड़ के दे देता हूँ, थोड़ी मदद चाहिए तो। ये रहा पत्ता, मेरे वाला नहीं खाना। He does not want my leaf. I'm gonna put it in my mouth. In his mouth. He's still rejected. Maybe he wants the small, delicate ones. Really? I don't know. It's the same, I think. हाँ, अब जब खा लिया दूसरा, अब चाहिए इसे। Can I touch it? Oh yeah, it likes to be touched. It seems. Actually, now seeing the cheetah. I kind of forgot how big they are. I kind of thought they would be like 2/3 of what they are. I thought they were half the size of what they are. वक्त आ गया है चीता से मिलने का। ऐसा लगता है हमारे लिए वेट कर रहा है ये। We're checking out them and they're checking us out. Yeah. There are a few safety rules actually when you want to meet the cheetahs, like no dangly stuff on the clothes, so because they might play with it. Cannot hang the jacket like this. Exactly. My big hat I'm gonna take off. No strong perfumes. And apparently they purr also. Really? Yeah, like cats. Like just like cats, you know. It seems like it's guarding something. There is some king waiting there, and the cheetahs are the guards for it. Yeah. They're going around like security guards. Oh my god, was that a purr? Really? You can hear that rumbling noise. Oh, that's... purring. Oh. I just need you to step through this one for me. My shoes are not waterproof. That's okay, yeah. I just need you to dunk the bottom of them in. Yeah, okay. मेरे साथ है दोस्तों दुनिया का सबसे तेज जानवर, एक चीता। और ये चीता 110 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड तक दौड़ सकता है। साउंड इज क्रेजी। इसकी आंखों के नीचे जो ब्लैक कलर की लाइनें देख रहे हैं, इससे चीता की आईसाइट इंप्रूव होती है, क्योंकि सन से जो ग्लेयर आ रहा है वो अवॉइड होता है। यही कारण है कि अमेरिकन फुटबॉल और बेसबॉल खेलते वक्त कुछ प्लेयर्स भी अपनी आंखों के नीचे ब्लैक कलर का पेंट लगा लेते हैं। ओवरऑल ये उतने खतरनाक नहीं है जितने शेर और टाइगर होते हैं, तो इसलिए इंसान इनके करीब आ सकते हैं और इन्हें टच कर सकते हैं, स्पेशली यहाँ जमाला वाइल्ड लाइफ लॉज ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में। और देखकर लगता है कि पालतू जानवरों की तरह इन्हें भी चाटना बड़ा पसंद है इंसानों को। You do have to keep a lot of different things in mind, like how to approach them, always stand between the cheetahs and the zookeepers because they know them, so
you don't need to keep all of that in mind. They're still wild animals. काफी restricted सा था कि मतलब ऐसा नहीं था कि आप हर चीज को touch कर सकते हो उसके इधर उधर. उन्होंने बड़े carefully हमें बुला कर कि इधर से आओ, अब इधर बैठो और अब इससे इस एरिया तक आप उसे ऐसे रब कर सकते हो उसकी बैक को. शोल्डर से ऊपर नहीं जाना, बैक से नीचे नहीं जाना और, yeah. और दूसरी तरफ से आकर भी आप उसे कुछ नहीं कर सकते. काफी कंट्रोल्ड सेटिंग में है तो इसलिए काफी सेफ फील हुआ. Yeah, basically. Do you like if a stranger does this to you? No, I don't. No, so they don't like it either. Yeah. And you know how it is when you pet your cat's belly? All of a sudden, you know, it will scratch you and we don't want that. I know.